स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्लासेस में हम पढ़ाई करेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। इससे पहले कल हमने पढ़ाई किया था विल्ट ए ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक सुधार करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 509, है ना, डिजिट दिया हुआ है, तो इससे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 950। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या किए थे, इसको रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लिख रहे थे, तो 059 इस तरह से। तो देखिए, जीरो जब फर्स्ट में होता है, यहाँ पर बिगिनिंग में होता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको 59 रीड करते हैं, जो कि दो ही डिजिट का हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, इस जीरो को एक डिजिट के बाद लिख देना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 509, मतलब 509 क्या हो जाएगा, ये 509, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। यहाँ पर जीरो दिया रहेगा तब, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, देखो 4017 से क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, 7470, है ना, 7471 बनेगा, ठीक है, 7400 सबसे ग्रेटेस्ट को पहले लिखेंगे, तो 7 उसके बाद क्या है 4, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में 0 1 4 7। तो देखिए, यहाँ पर 0 जब बिगिनिंग में होता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो 0 को कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ ना लिखा, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो क्या हो गया 1047। तो ये वाला सुधार करना, उसमें आप जहां पर जीरो रहेगा उसी में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑड और इवन नंबर के बारे में। इवन एंड ऑड नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी पुट इनटू पेयर्स आर इवन नंबर, जिनकी हम क्या बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी पुट इनटू पेयर्स, है ना, जिसको जिनको हम पेयर्स में पुट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। इवन नंबर इन द विथ 0 2 4 6 8, है ना, कोई नंबर दिया हुआ रहेगा उसके इन द में, मतलब वंस कॉलम में, है ना, वंस कॉलम में जब 0 हो, 2 हो, 4, 6 या फिर 8 हो, है ना, इसमें से कोई भी डिजिट हो, ठीक है, तब हम उस नंबर्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवेन नंबर, क्या बोलेंगे, इवेन नंबर, ठीक है। तो इवेन नंबर को कैसे पहचानोगे, यदि वंस प्लस पर 0 2 4 6 और 8 हो, तब वह क्या होगा, इवेन, और जिसके वंस प्लस पर क्या होगा, जिसके वंस प्लस पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, या फिर 9, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, ऑड नंबर, क्या कहलाएगा, ऑड, ठीक है। ऑल द नंबर्स दैट आर नॉट इवन आर ऑड नंबर, ऑड नंबर है 1 3 5 7 और 9 इन द वंस प्लेस। यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पर दिया हुआ है 128, तो वंस प्लेस को देखो, सबसे पहले वंस प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 8 है, 8 है, तो जब 0 2 4 6 या 8 हो तो क्या कहलाता है, इवेन नंबर, है ना, क्या कहलाता है, इवेन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इवेन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 728 वंस प्लेस को देखो, यहाँ पर वंस प्लेस में क्या है, 8 है, तो 8 है, तो ये क्या हो गया, इवेन नंबर, ये भी क्या हो गया, इवेन, तो इवेन नंबर को यहाँ पर सर्कल करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 7 है, तो 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर 1 हो, 1 से प्लेस पर 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर, तो ये वाला ऑड नंबर है, इसको सर्कल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, 1 से प्लेस पर 5, तो 5 है, तो क्या होगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा, क्या होगा, ऑड, ठीक है, 5 है 1 प्लेस पर, तो ऑड नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो 2 है, तो क्या होगा, ये इवेन, क्या नंबर होगा, इवेन नंबर, तो सर्कल कर दिए। यहाँ पर देखिए 5 है, 5 है, तो क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा, ठीक है,
तो इसको सर्कल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इवेंट नंबर को ही सर्कल किया है हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इवेंट नंबर और ऑड नंबर को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूंगा जिसे आप सभी को बना के दिखाना है। थैंक यू।